असम न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम संसद मार्ग पर और यहाँ दलित शोषण मुक्ति मंच के माध्यम से जो दलितों पर जो अत्याचार होने से बंद करने के लिए यहाँ धरना प्रदर्शन दिया जाए बहुत तादाद के अंदर हमारे बीच में। भारती जी आइए हमसे जानकारी लेते हैं कि आप लोग क्यों इकट्ठे हुए। भारती जी आप यहाँ क्यों इकट्ठे हुए, क्या कारण आपको इकट्ठे हुए? हम लोग का जो महिलाओं के लिए बहुत अत्याचार हो रहा है, हम लोग अकेला कहीं नहीं जा सकते हैं, नहीं कुछ कर सकते हैं। बहुत दलितों पर जो है जब से मोदी आया है बहुत हम लोग का परेशान करते हैं। हम लोग कहीं नहीं अकेला जा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। पुलिस के पास जाओ या दरोगा के पास जाओ, थाना के पास जाओ, कोई सुनवाई नहीं करता है। अरे कुछ नहीं है, क्योंकि हर जगह मोदी का राज हो गया, योगी जी का राज हो गया। कहीं भी हम लोग जाते हैं कोई हम लोग का सुनवाई नहीं होता है। हम लोग बहुत अत्याचार समझ रहे हैं उसको लिए। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग सब कोई मिल के उसको अत्याचार को हटानी चाहिए। है कि नहीं, दलितों पर ही सब अत्याचार होता है। हम लोग न कहीं निकल सकते हैं, घर से नहीं कहीं जा सकते हैं। इसलिए हम लोग का है कि हम लोग अपना सब मिल के इसको हटाया जाए। जो भ्रष्टाचार हो रहा है, दो साल तीन साल लड़की के साथ बलात्कार किया जा रहा है, पहले राशन वाले को लिए देखिए क्या है, जब तक अंगूठा का निशान नहीं लगेगा तब तक राशन नहीं देंगे। 10 बार जाओ दुकान पे राशन नहीं देता है, कह रहा है कि नहीं पहले अंगूठा लगवाओ। अब हम लोग जाते हैं 10 दिन के बाद जाकर राशन खत्म हो गया। जब से मोदी योगी आया है तब से हम लोग का बहुत परेशान हो गया है साहब जी। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अत्याचार हटना चाहिए, जैसी है ऐसी होनी चाहिए। ठीक है कि नहीं? जो बाबा साहब अब बोले।